नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। तो वहीं पहली बड़ी खबर क्या है, कैबिनेट की बैठक आज, कल इतिहास लिखेगा झारखंड, इन योजनाओं पर लगेगी मुहर, विशेष सत्र में खतिया आधारित नीति और आरक्षण पर भी फैसला देखने को मिल सकता है। बताया कि झारखंड की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं आज कैबिनेट से पास हो गई हैं। कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में अहम है। आज की बैठक के बाद कल यानी कि 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलावा गया है। इस विशेष सत्र में 1932 खतिया आधारित कैबिनेट के फैसले को विधानसभा में पारित कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार आरक्षण पर भी अहम फैसला ले रही है। मुख्यमंत्री कई मंचों से यह ऐलान कर चुके हैं, गुरुजी ने झारखंड दिया, अब उनका बेटा खतियान आधारित पहचान देगा। हेमंत सरकार गिराने की साजिश पर अब ईडी करेगी जांच, विधायक अनूप सिंह के एफआईआर पर बनी आधार, तीन विधायक बने मुक्त अभियुक्त। पता चले कि झारखंड में हेमंत सरकार गिराने की साजिश की जाँच अब ईडी के जिम्मे है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस प्राथमिकी में आधार बना है बेरमो विधायक अनूप सिंह की एफआईआर, जिसमें उन्हें बताया था कि कांग्रेस के कई विधायकों ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर भी दिए थे। ईडी करेगी जाँच, बताया कि इस मामले में कांग्रेस के तीन विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन निक्सल गाड़ी और राजेश कच्चब को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तीनों विधायक इस वक्त कोलकाता में हैं। कोलकाता पुलिस ने NH-16 पर रानी हाटी के पास 45 लाख रुपए के साथ 30 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। तो यही अगली बड़ी खबर क्या रही है, अमृत सरोवर योजना को लेकर के, कि अमृत सरोवर योजना में गड़बड़ झाला दिखने को मिल रहा है। बरसात का पानी बचाने के लिए बनाने थे दो तालाब पर 4 फीट का गड्ढा, खुद अफसरों व बिचौलियों ने निकाल लिए 33 लाख रुपए। बताया चले कि लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में अमृत सरोवर योजना के में बड़ी हेराफेरी की गई है। यहां भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बरसात का पानी बचाने के लिए दो तालाब खोदने थे, पर तालाब के नाम पर 4 फीट गड्ढा खोद कर 33 लाख रुपए निकासी कर ली गई है। इन गड्ढों में पानी भी नहीं जमा हो सका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अमृत सरोवर बनाने की योजना तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बरसात पानी का संरक्षण करना था ताकि आसपास के खेतों में पटवन हो सके, जलस्तर भी ठीक रहे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, सोन नदी के ऊपर पुल निर्माण, सोन नदी पर पुल बनते ही घट जाएगी 148 किलोमीटर की दूरी। 14 नवंबर को नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास, ग्रामीण उत्साहित। पहले के झारखंड और बिहार के आपसी संपर्क के भी अस्थायी बाधा, सोन नदी के ऊपर पुल निर्माण के इकलौते था प्रथम स्वपन दृष्टा कांडी के गांधी का सपना साकार होने की घड़ी आ गई है। अभी से करीब 100 घंटे के बाद सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को सोन पुल निर्माण योजना का शिलान्यास करेंगे। मालूम हो कि झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत कांडी प्रखंड क्षेत्र के श्रीनगर व बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के पंडुआ के बीच सोन नदी पर उच्च स्तरीय सड़क पुल निर्माण योजना पर काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर स्वीकृति के बाद स्वयं इंटरेस्ट टेस्टिंग आदि का काम भी पूरा चुका है। अब केंद्रीय मंत्री द्वारा शिलान्यास के बाद अतिशीघ्र निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी के साथ कांडी के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर बचरू साव का सपना साकार हो जाएगा। बिहार पुल निर्माण निगम के अधीन ब्रजेश अग्रवाल कंपनी के द्वारा 144 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं हेमंत सोरेन को ईडी का दूसरा नोटिस, अब 17 नवंबर को होना होगा पेश। फिर तेज हुई झारखंड में राजनीति, चले की अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार नोटिस भेजा है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 17 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। यह पूछताछ रांची के एयरपोर्ट स्थित ईडी कार्यालय में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने ईडी से अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए समय मांगा था। मुख्यमंत्री ने मांगा था 3 सप्ताह का समय, जो कि अब धीरे धीरे पूरा ही होने वाला है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया था, जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई। अब ईडी ने झारखंड स्थापना दिवस के बाद का वक्त देते हुए 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्यवाही को राजनीतिक से पेश करता है। कई मंचों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वह भाजपा के इशारा पर हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तक कह दिया था कि हिम्मत है तो ईडी मुझे गिरफ्तार करे।
अगर दोषी हूँ तो पूछताछ के लिए क्यों बुलावा सीधे गिरफ्तार करें। तो वहीं कोलकाता में गैस कांड में बड़ी राहत, तीनों विधायक को बड़ी राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने दी जमानत, रांची लौटेंगे विधायक, विशेष सत्र में हो सकते हैं शामिल। गैस के साथ कोलकाता में पकड़े गए विधायक, तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सर कुंगराडी को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तीनों विधायक अंतरिम बेल पर थे, अब उन्हें रेगुलर बेल दे दिया गया है। इस फैसले के साथ एक अहम फैसला भी किया गया जिसमें तीनों विधायक अब कोलकाता छोड़कर झारखंड लौट सकते हैं। खबर है कि तीनों विधायक आज रात कोलकाता से रांची के लिए रवाना होंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, गिरिडीह से छठ घाट से लापता बच्चे का शव मिला, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस के खिलाफ लगाए नारे, डीएसपी ने कहा अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। छठ घाट पर लापता 6 साल के बच्चे का शव 10 दिनों के बाद घर से 3 किलोमीटर दूर मिला है। घटना गिरिडीह के गावा प्रखंड स्थित सिरुआ छठ घाट की है। इस घाट से 6 साल का बच्चा गायब हो गया था। गुरुवार की सुबह घर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ के पास जिरैया जंगल से बच्चे का शव बरामद किया गया है। तो वहीं आपको याद है कि भाजपाइयों ने राज्य सरकार के विरुद्ध तांद नगर प्रखंड में किया धरना प्रदर्शन। तांद नगर प्रखंड कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में मुक्त वक्ता जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि वर्तमान झामुमो कांग्रेस की गठबंधन सरकार विफल हो चुकी है। 5 लाख युवाओं को नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, गलत नियोजन नीति जैसे मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरह से युवा विरोधी है। राज्य सरकार के 34 माह में 5,500 से ज्यादा महिलाओं के साथ अनाचार सर्वनाक है। तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, चाई भाषा से अस्पताल प्रबंधन समिति ने शुल्क लेने का किया निर्णय। सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 रुपये लिए जाने पर आपत्ति, आयुक्त पत्र। सदर अस्पताल चाईबासा में रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 रुपये लिए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता राजा राम गुप्ता ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सदर अस्पताल चाईबासा में अस्पताल प्रबंधन द्वारा 18 अक्टूबर 2022 से ओपीडी एवं आपातकालीन कक्ष में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को निबंधन पर्ची बनवाने हेतु 5 रुपये भुगतान करना अनिवार्य किया गया है। तब से कई करीब तरफ के मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पदक हासिल करने वाले विद्यार्थी नेशनल लेवल पर लेंगे भाग। धनबाद में 5 से 7 नवंबर तक खेल प्रतियोगिता में चाईबासा स्तर के बच्चों ने जीते कई पदक। डीएवी सीएमएससी के मार्गदर्शन में आयोजित नेशनल जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता डीएवी को लालनगर धनबाद में 5 से 7 नवंबर के बीच आयोजित थी। खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के वापस आने पर प्राचार्य रेखा कुमारी से प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के दौरान ताइक्वांडो, कराटे, डिस्क थ्रो, आर्चरी और बैडमिंटन का आयोजन किया गया था। तो वहीं आजसू पार्टी की बैठक, आजसू पार्टी 15 को गोविंदपुर में बनाएगी झारखंड स्थापना दिवस। आजसू पार्टी की बैठक बुधवार को में लोकमान्य भवन हडिया अवस्थी और सर जामदा एजीएल चौक स्थित भवन में हुई। दोनों बैठक में प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र हास सहित शामिल हुए। इस सहित ने कहा कि संगठन की जवाबदेही तय करने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। राज्य सरकार के क्रियाकलाप एमजी सिद्धांत चिन्हित के खिलाफ है। हेमंत सरकार जनता को दिव्य भ्रमित एवं धोखा देने का कार्य कर रही है। आज पार्टी इसके लिए खिलाफ लगातार है। तो वहीं एक बड़ी खबर है, धनबाद से लेकर के धनबाद में सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष सहियाओं का धरना प्रदर्शन। निरसा के पूर्व विधायक अरुण चटर्जी के नेतृत्व में निरसा CHC 20 में कार्यरत महिलाओं ने अपनी मांगों के साथ बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में धरना दिया। सिविल सर्जन कार्यालय में धरना पर बैठी महिलाओं से गांव ने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय में वर्षों से कुछ अधिकारी जमे हुए हैं, इनका तबादला नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर 10 वर्षों से CHC 20 में कार्यरत BTT गधर कुंभकार को भाग माह अक्टूबर 21 को स्थानांतरण कर CHC धनबाद स्तर में AFPBTT का कार्य लिया जाता है। पहली बड़ी खबर क्या है, सीएम हेमंत सोरेन से रांची में मिले योग गुरु बाबा रामदेव। सीएम हेमंत सोरेन से मिले योग गुरु बाबा रामदेव। रांची के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज गुरुवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। सीएम से उनकी शिष्टाचार भेंट दी।
तो वहीं 25 अगली खबर के 25,000 घूस लेते हैं मानको थाना प्रभारी एसपी की हत्या चढ़े जाता है। जमशेदपुर स्थित मानको थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार को एसीबी ने 25,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। इंटक के राष्ट्रीय सचिव बलदेव सिंह ने एबीसी में शिकायत की थी। एसीबी की टीम थाना प्रभारी को अपने साथ ले गई। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, धनबाद सड़क दुर्घटना में पूर्व विधायक आनंद महतो हुए घायल। बजाज धनबाद में सिंदरी बलियापुर मेन रोड में बीपीएम कॉलेज के पास हुई सड़क दुर्घटना में सिंदरी के विधायक क्षेत्र के पूर्व विधायक आनंद महतो उनके वाहन चालक सोनू महतो घायल हो गए हैं। लोगों ने उसे धनबाद एशियन जलन में भर्ती कराया है। पूर्व विधायक की स्थिति खतरे से बाहर है। तो अगली बड़ी खबर क्या, टंडवा के खैलवा कटाही पुल के समीप अधेड़ महिला की लाश मिली। जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के खैलिया कटाही पुल के समीप एक अधेड़ महिला की लाश मिली है। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतिका की पहचान कटाही गांव के महावीर महतो की दूसरी पत्नी 45 वर्षीय उर्मिला देवी के रूप में की गई है। कैलहा कटाही पुल के समीप शमशान शेड में खून का निशान भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या गलत की गई है। तो यहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, पुदांग थाना क्षेत्र में युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या। रांची के पुदांग ओपी क्षेत्र में युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लेही हटिया डीएसपी अजय कुमार मित्रा और पुदांग थाना प्रभारी के विवेक कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, कार और बाइक की सीधी भिड़त में चक्रधरपुर के रहने वाले दो लोग घायल। चक्रधरपुर मसोनोवा रोड में कार व बाइक में जोरदार भिड़त होने से देव भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद पारा में दोनों को चक्रधर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार का बेहतर इलाज के लिए दोनों को रेफर कर दिया। जानकारी मुताबिक सुबह मुरहादू गांव निवासी तुरी जोको अपनी भाभी पानमती जोको को बाइक में बैठाकर जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पहुंचाने जा रहा था। इस दौरान सोनुआ रोड के कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल के समीप कार व बाइक में जोरदार भिड़त हो गई। इस घटना में देवा तुरी जोको को सिर व गंभीर से शरीर में गंभीर चोट लगी है, जबकि भाभी के सिर में चोट लगी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, पर्यटकों को पसंद आया बेतला नेशनल पार्क, तस्वीरों में करे खूबसूरती का दीदार। चले के पलामू टाइगर रिजर्व के देश के उन 9 अभयारण्य में से पहला है जिन्हें 1974 में आरक्षित वन होने का तमंगा मिला था। 26 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में ही पहली बार बाघों की गिनती की गई थी। बाघ यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। कभी 40 से 45 बाघों के विचरण क्षेत्र में फिलहाल 7 से 8 बाघ होने की अपुष्ट जानकारी मिलती है। पर्यटकों के लिए अब बाघ मिलना काफ़ी मुश्किल है। पलामू टाइगर रिजर्व का बेतला नेशनल पार्क कभी बाघों का ढेरा हुआ करता था, जो अब नहीं है। अब बाघ पलामू टाइगर रिजर्व के घने जंगलों की ओर अपना आशियाना बना लिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, में भीषण आग, 10 लोगों की मौत, मृतकों में कुछ भारतीय भी। जबकि मालदीव में एक गैराज में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालात गंभीर बनी हुई है। इस इमारत की पहली मंजिल पर प्रवासी मजदूर रहते थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जान गंवाने वाले में भारतीय नागरिकों के शामिल होने की भी आशंका है। भारतीय उच्च आयोग ने ट्वीट किया है कि माले में आग लगने की घटना के बारे में सुनकर दुखी हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। उनमें कथित तौर पर भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। हम मालदीव के अधिकारियों से किस तरह संपर्क में हैं।